नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और आज का जो वीडियो रहेगा वो ब्लेजर के ऊपर रहेगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने मेंबरशिप प्रोग्राम के अंदर ब्लेजर स्टार्ट कर दिया है। ब्लेजर के साथ साथ मैं एंगुलर भी साथ में स्टार्ट करने वाला हूं, तो आप लोगों को बहुत कुछ इंटरेस्टिंग जो है वो सीखने को मिलेगा। ब्लेजर और एंगुलर कैसे एक दूसरे से जो है मिलते जुलते काम करते हैं, तो उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, अभी तक जिन लोगों को नहीं पता है कि मैंने एक मेंबरशिप स्टार्ट कर रखी है, मेंबरशिप का मतलब है कि आप लोगों को अनलिमिटेड जो प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्सेज है वो मिलते रहेंगे। ASP.NET Core के ऊपर मैंने अभी तक 2 प्रोजेक्ट बनाए हैं और आगे भी बनेंगे, लेकिन जो बनेंगे वो आप लोगों को हो सकता है कि थोड़ा सा डिले हो जाए। लेकिन ASP.NET Core MVC के ऊपर मैंने 2 प्रोजेक्ट बनाए हैं। रिपोजिटरी पैटर्न के ऊपर एक बनाया है जो कि कॉन्सेप्ट बुकिंग का है, दूसरा मैंने एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है जो क्लीन आर्किटेक्चर के ऊपर है। सिंपल सा, दोनों ही अच्छे प्रोजेक्ट हैं। आइडेंटिटी भी यूज हुआ है और उसमें ये भी यूज हुआ है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भी। तो जिन्होंने अभी तक मेंबरशिप नहीं ली है, जो लॉसेस में है, वो आज ही मेंबरशिप ले लीजिए। मेंबरशिप को ज्वाइन करने के लिए आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म मिलेगा एंड देन फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहूंगा दोस्तों, अगर आप लोग कुछ सीखना चाहते हैं तो इस मेंबरशिप को आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। ये मैं आप लोग कहूंगा कि इसकी जो फीस है दैट इज ओनली 500 रुपीज, लेकिन 500 रुपीज में आप लोगों का एक कपड़ा भी नहीं आता है, और मैं आप लोगों को एंटायर लाइफ जो है वो पढ़ाने वाला हूं इस 500 रुपीज में ही। इसमें आप लोगों को C# का कोर्स भी मिलेगा, DSA का भी कोर्स मिलेगा। DSA का मतलब C# के अंदर ही आप लोगों को जो रोड मैप है पहले ASP.NET Core का वो पूरा कंप्लीट करूंगा। उसके बाद में हम लोग मशीन लर्निंग पर भी चलेंगे एंड ऑल वेब एप्लीकेशंस कैसे डेवलप की जाती हैं, फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, बिजनेस लॉजिक्स क्या होता है, जो एक कंप्लीट रोड मैप है वो मैं आप लोगों का इस पूरी मेंबरशिप प्रोग्राम में कवर करने वाला हूं। आज का जो वीडियो है वो रहेगा ब्लेजर के ऊपर। तो मैं ब्लेजर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से यही कहूंगा कि जिन्होंने मेंबरशिप नहीं ली है वो एक बार ले लीजिए, फिर देखिए आप लोगों के अंदर जो इंप्रूवमेंट है, क्योंकि मैं मेंबरशिप में आप लोगों को सोर्स कोड भी देता हूं कंप्लीट, आप लोगों को वीडियोस भी देता हूं कंप्लीट, और जो भी रिसोर्सेस मैं यूज में लेता हूं, PPTs है या कोई PDF फाइल है, वो भी आप लोगों को सबमिट कर देता हूं। तो ये कंप्लीट रोड मैप आप लोगों को, अगर कोई 500 रुपीज में इतना सारा मटेरियल अगर कोई दे रहा है, इतने प्रोजेक्ट्स दे रहा है, क्योंकि सारा का सारा प्रोजेक्ट बेस्ड मटेरियल है, 2 प्रोजेक्ट कवर कर चुका हूं, तीसरा प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, तो कोई प्रोजेक्ट भी नहीं देता है 500 रुपीज में, मैं आप लोगों को कंप्लीट प्रोजेक्ट दे रहा हूं। एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग चल रहे हैं, तो जो लोग बिगिनर हैं, इंटरमीडिएट हैं या एडवांस लेवल के हैं, वो भी इस प्रोजेक्ट कोर्सेस को, इस मेंबरशिप को ले सकते हैं। मैं अपने 14 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं फाइनली, क्योंकि हम लोग ये कहें कि आप लोगों के लिए जो चीजें मैं आप लोगों के लिए डिजाइन कर रहा हूं वो शायद कोई और डिजाइन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जो एक्सपीरियंस है मेरा, टीचिंग का भी मुझे एक्सपीरियंस है, और फाइनली मैं आप लोगों के लिए जो कोर्स कंटेंट और कंपनी का भी एक्सपीरियंस है, देन फाइनली जो चीजें मैं बिल्ड कर रहा हूं आप लोगों के लिए समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बहुत ही ज्यादा शानदार है। तो आज का जो टॉपिक है वो ब्लेजर है, और ब्लेजर क्या हम लोग ब्लेजर को एज ए फ्रंट एंड काम में ले सकते हैं, वेब असेंबलीज होती है उसमें, WSM होता है, कैसे रन होता है, क्या, क्योंकि इसमें 2 होस्टिंग मॉडल हमारे पास होते हैं ब्लेजर के अंदर, एक होता है वेब असेंबली, एक होता है आप लोगों के पास सर्वर साइड। तो वेब असेंबली कैसे काम करता है, सर्वर साइड कैसे काम करता है, इन चीजों को हम लोग जानेंगे। रेजर पेजेस कैसे काम में लिए जाते हैं, इसमें क्लासेस कैसे काम में ली जाती है, रेजर सिंटेक्स कैसे काम में ली जाती है, वो सारा हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे कि हम लोग कैसे स्टार्ट करें। क्योंकि आप लोगों को पता है, जिन्होंने मेरी मेंबरशिप ले रखी है उनको पता है कि वेब API के ऊपर अभी टॉपिक चला हुआ है, और वेब API जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी चीजें हैं, जो आप लोगों को वेब एप्लीकेशन के अंदर जरूर सीखनी चाहिए, क्योंकि एंटायर एप्लीकेशन जो है, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन हो, चाहे डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो, चाहे वो आप लोगों का वेब एप्लीकेशन हो, उसमें आप लोगों को REST API में काम करना पड़ेगा ही, या आप लोगों को वेब API बनानी पड़ेगी ही। तो वेब API को कैसे कंज्यूम किया जाता है, उसके लिए मैं फ्रंट एंड एप्लीकेशन के लिए ब्लेजर और एंगुलर दोनों में यही एप्लीकेशन बनाने वाला हूं, यही प्रोजेक्ट कोड हम लोग शेयर करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने कोड पैनल के ऊपर, और आप लोगों को बताते हैं कि कैसे हम लोगों को ये चीज करनी है, और मेंबरशिप में आप लोगों का ये इंक्लूड रहेगा, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मेरी सिर्फ हम्बल रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है, एक बार मेंबरशिप को लेकर देखिए, आप लोगों को फाइनली पता लग जाएगा कि जो सोर्स कोड भी मैं आप लोगों को, और वीडियोज में आप लोगों को, क्वालिटी वीडियोज में आप लोगों को शेयर कर रहा हूं,
तो जिन्होंने नहीं ली है वो एक बार लेकर देखिए, वो गूगल फॉर्म फिल कीजिए एंड फाइनली आप लोगों का मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं कोड पैनल के ऊपर। तो दोस्तों ये है वो मेंबरशिप जिसमें हम लोगों ने .NET कवर कर दिया है, और इसमें अभी हम लोगों ने देखिए ब्लेजर ऐड भी नहीं किया, लेकिन मैं ब्लेजर के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अभी स्टार्ट करने वाला हूँ। ब्लेजर विद एंगुलर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो साथ में हम लोग जो है इन सभी पर आप लोगों को प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्सेस मिलेंगे, और वो भी सिर्फ 500 रुपीज में। एक बार ही आप लोगों को 500 रुपीज पे करना है एंड देन फाइनली आप लोगों के जो प्रोजेक्ट जो है वो आप लोगों की मेल पर आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो डे बाय डे के वीडियोस आप लोगों को मिलते रहेंगे, रिसोर्सेस मिलते रहेंगे। तो जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं की है वो अभी ज्वाइन कर लीजिए। देखिए फीस बढ़ सकती है, मैं आप लोगों को बार बार बोल चुका हूँ, फीस बढ़ सकती है, ये फीस जो है वो चेंज हो सकती है। तो जिन्होंने अभी तक मेंबरशिप नहीं ली है वो मेंबरशिप ले ली। तो दोस्तों जिन्होंने मेंबरशिप नहीं ली है वो मेंबरशिप ले सकता है, और मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि मेंबरशिप प्रोग्राम के अंदर जो मैं अभी आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं वो क्या है। मेंबरशिप प्रोग्राम के अंदर आप लोगों को सबसे पहले मैंने MVC बताया है, इसमें मैंने ये देखो सारे के सारे जो इसमें है वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स हैं। इसमें technologykeeda.web के अंदर मैंने बताया कि MVC कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है। उसके बाद में मैंने रिपोजिटरी पैटर्न बताया जिसमें आप लोगों के पास technologykeeda.ui जो लेयर है, रिपोजिटरी जो लेयर है और एंटिटी लेयर है, ये रिपोजिटरी पैटर्न है जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताया कि रिलेशनल डाटाबेस के साथ हम लोग कैसे काम कर सकते हैं रिपोजिटरी पैटर्न के अंदर, विद वीडियोस और सोर्स कोड मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया कॉन्सर्ट बुकिंग सिस्टम का, जो आप लोग देख सकते हैं जो यहाँ पर सेलेक्टेड है वो सारा कॉन्सर्ट बुकिंग सिस्टम के ही प्रोजेक्ट्स हैं जो रिपोजिटरी पैटर्न के ऊपर आधारित है। उसके बाद में हम लोगों ने क्लीन आर्किटेक्चर के ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाया जो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए है, जिसमें आप लोगों का यहाँ पर आइडेंटिटी भी कवर किया गया है। यहाँ पर विदाउट आइडेंटिटी के थ्रू भी हम लोगों ने जो डाटाबेस का जो ऑथेंटिकेशन सिस्टम है, ऑथराइजेशन सिस्टम है, वो हैंडल किया है क्लीन आर्किटेक्चर के अंदर। तो बहुत ही ज्यादा जो शानदार वीडियोज हैं वो मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं। तो जिन्होंने मेंबरशिप अभी तक नहीं ली है वो ले सकते हैं। जस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, जस्ट उसे फिल करना है और आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। उस मेंबरशिप में आप लोगों को डे बाय डे वीडियोस सेंड किए जाएंगे और उनके जो रिसोर्स मटेरियल है वो वीडियोस के साथ ही अटैच रहेंगे। जस्ट आप लोगों को अपनी मेल से ही डाउनलोड करना है और अपने पास रख लेना है। आप लोग उसे कभी भी देख सकते हैं, आप लोगों की इच्छा हो तो आप लोग कभी भी देख सकते हैं। तो ये पूरा रोडमैप जो है वो मैं आप लोगों के लिए डिजाइन कर रहा हूँ। जो लोग .NET में ये मान के चलिए जो .NET में अच्छा बनना चाहते हैं, एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग को सीखना चाहते हैं, वो इस मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस मात्र 500 रुपए है। 500 रुपए आप लोग कहीं पर भी खर्च कर देते हैं, आप लोग कपड़े ले आते हैं, कुछ भी ले आते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कपड़े भी नहीं आते हैं 500 रुपए में, उससे भी आप लोग ज्यादा देते हैं। यहाँ पर सिर्फ 500 रुपीज है और 500 रुपीज में आप लोग बहुत कुछ ज्यादा सीखने को आप लोगों को मिल रहा है। यहाँ पर ही ये जर्नी खत्म नहीं होती है। अभी मैं आप लोगों को technologykeeda.web API बता रहा हूँ, उसके बाद में मैं आप लोगों को इसी के साथ अटैचमेंट जो है वो मैं एंगुलर है और ब्लेजर है, ये दोनों ही मैं साथ में स्टार्ट करने वाला हूँ एंड फाइनली आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो जिन्होंने अभी तक मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है वो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकता है एंड फाइनली आप लोगों की जस्ट स्टेप एक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, गूगल फॉर्म का लिंक आप लोगों को मिलेगा, वो फिल करना है एंड फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। तो लास्ट वीडियो में यहाँ पर जो बनाया गया था वो web API बनाया है, और web API में हम लोगों ने API में एक कैटेगरीज कंट्रोलर यहाँ पर बनाया है। तो इसको तो हम लोग एक बार के लिए पॉज रखते हैं और ब्लेजर जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ब्लेजर ट्रेडिशनल वे में ही स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में एडवांस वर्जन पर लेकर आएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को एक नया प्रोजेक्ट जो है वो एड करना है, न्यू प्रोजेक्ट एंड फाइनली ब्लेजर वेब ऐप, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ब्लेजर वेब ऐप के साथ आप लोग जो है यहाँ पर बुक शॉप नाम दे सकते हैं, ब्लेजर बुक शॉप प्रोजेक्ट का नेम, ब्लेजर बुक शॉप आप लोग यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। फाइनली आप लोगों का यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इंटरेक्टिव रेंडर मोड क्या है, दैट इज सर्वर, यहाँ पर वेब असेंबली, हम लोगों को यहाँ पर वेब असेंबली सेलेक्ट करना है 8.0 है, या अदरवाइज आप लोग ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं। बैक साइड में जाइए, यहाँ पर आप लोग लिखिए ब्लेजर
एंड फाइनली आप लोगों के पास ब्लेजर के वेब असेंबली स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, ब्लेजर वेब असेंबली ऐप, ब्लेजर सर्वर ऐप, ब्लेजर सर्वर एमटी, वेब असेंबली स्टैंड अलोन एप्लीकेशन में आप लोगों को एक टेम्पलेट मिल जाता है जिसमें आप लोगों को काम करना है। एंड देन फाइनली हम लोग ये सिलेक्ट कर लेते हैं। यहां पर हम लोग लिखते हैं ब्लेजर बुकशॉप, क्योंकि हम लोग बुकशॉप का ही प्रोजेक्ट समझा रहे हैं, तो आप लोगों को पहले ब्लेजर समझाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए .NET 7.0 स्टैंडर्ड टर्म सपोर्ट है, यही हम लोगों को सेलेक्ट करना है, 8.0 में अभी नहीं जाना है। उसके बाद में हम लोगों को ASP.NET Core होस्टेड में सेलेक्ट करना है, कॉन्फिगर फॉर HTTPS के लिए सही है। एंड देन फाइनली हम लोग इस चीज को क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट जो है वो ब्लेजर के अंदर हम लोग बना रहे हैं और वो हम लोगों ने इसी विजुअल स्टूडियो के अंदर ही एड कर लिया है। आप लोग देख सकते हैं ब्लेजर बुकशॉप डॉट क्लाइंट, ब्लेजर बुकशॉप डॉट सर्वर, और आप लोगों के पास एक शेयर्ड प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर ऐड हो जाता है। आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, इसको भी मैं एक बार के लिए अनलोड कर देता हूँ, अनलोड प्रोजेक्ट। जब हम लोग इसको काम में लेंगे तब हम लोग इसको रिलोड दोबारा से कर लेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर ब्लेजर सर्वर ऐप को सीखने जा रहे हैं, तो यहाँ पर शेयर्ड में आप लोग देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ आप लोगों के पास पेजेस है। पेजेस में भी आप लोगों के पास इंडेक्स डॉट रेजर पेजेस है। सबसे पहले हम लोग फोकस डालेंगे रेजर पेजेस के ऊपर ही, क्योंकि हम लोगों को अगर ब्लेजर सीखना है, वेब असेंबली सीखना है, सर्वर सीखना है, क्योंकि इसमें दो होस्टिंग मॉडल होते हैं हमारे पास ब्लेजर के अंदर। द फर्स्ट वन इज सर्वर और दूसरा होता है वेब असेंबली, यानी कि WSM। WSM जो होता है, वेब असेंबली जो होता है, वो ब्राउजर पर आप लोगों का रन करवा सकता है एप्लीकेशन को, और ब्राउजर पर एप्लीकेशन को रन करवाना होता है तो हम लोगों को जावास्क्रिप्ट की जरूरत होती है, लेकिन वेब असेंबली भी ब्राउजर पर डायरेक्टली रन हो सकती है। तो इसके लिए आप लोगों को मॉडर्न वेब ब्राउजर्स की जरूरत होती है, और यहाँ पर आप लोगों के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडर्न वेब ब्राउजर्स हैं जो वेब असेंबली को सपोर्ट करते हैं, जो आप लोगों की ब्राउजर्स पर डायरेक्टली शीशा आपको रन करवा सकते हैं। तो शीशा आपके अंदर ही हम लोग जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे एंड फाइनली आप लोगों का कोड जो है वो रन होने वाला है। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए एंड देन फाइनली हम लोग इन चीजों को समझने में आप लोगों को ज्यादा आसानी भी मिलेगी। सर्वर है, क्लाइंट है, आप लोग क्लाइंट को यहाँ पर फोकस कर सकते हैं एंड देन फाइनली हम लोग यहाँ पर इसको रन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम लोग इस एप्लीकेशन को रन करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि किस टाइप से में ये सारी एप्लीकेशन जो है वो रन होती है, और यहाँ पर एक ग्रीन कलर की स्क्विगली लाइन भी आप लोगों को नजर आ रही होगी। उन चीजों को, सभी चीजों को बारीकी से समझना है तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो रेजर जो है वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोगों को जैसा पता ही है, और हम लोगों ने स्टार्ट किया है तो हम लोग जल्दी ही इसको फिनिश भी करेंगे और आप लोगों को ये भी बताएंगे कि सारी चीजें कैसे स्टार्ट होती हैं। रेजर का सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, रेजर से। रेजर जो है वो उसमें आप लोग HTML के साथ साथ जो सी शार्प का कोड है वो भी आप लोग लिख सकते हैं। ये इसका थीम है, आप लोग देख सकते हैं जो स्पिनल है वो आप लोगों का किस तरीके से जो है वो पूरा होता है। एक शानदार एनिमेशन आप लोगों के पास यहाँ पर आया है और आप लोगों के पास पेजेस जो है वो रन होते हैं। हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू योर न्यू ऐप, हाउ इज ब्लेजर वर्किंग विद यू फॉर यू, ये यहाँ से आप लोगों के पास दिस वन ऐसा आ जाता है। और ये सर्वे प्रॉम्प्ट है आप लोगों के पास, ये एक कंपोनेंट है, तो ये सारा हम लोगों को हटाना है। पेज जो टाइटल है वो आप लोगों के पास इंडेक्स है, आप लोग देख सकते हैं, और मॉडर्न वेब ब्राउजर WSM को सपोर्ट करता है। हेलो वर्ल्ड यहाँ पर लिखा हुआ है एंड ओके इंडेक्स यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं कि टाइटल में आप लोगों के पास इंडेक्स लिखा हुआ है। ओके ये तो बाद की बात है, हम लोग सबसे पहले रेजर पर फोकस डालेंगे कि रेजर का मतलब क्या है, जहां पर हम लोग सी शार्प का कोड भी लिख सकें और हम लोग HTML को भी लिख सके। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग एक बार के लिए यहाँ पर एम्प्टी कर देते हैं और इसको सेव करते हैं। तो मैंने जैसे सेव किया, आप लोग देखिएगा, तो यहाँ पर जो सेव करने के बाद में जो रिफ्रेश का मॉडल है कि आप लोग इसे रिफ्रेश कर सकते हैं, रिफ्रेश करने के बाद आप लोगों को ये देखने को मिलेगा जो कॉन्टेंट है वो यहाँ पर देखिए होट रीलोड फीचर्स है। योर चेंजेस कैन नॉट बी अप्लाइड ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड एरर है यहाँ पर। मोर इन्फॉर्मेशन होट रीलोड आउटपुट, ओके स्टॉप डिबगिंग, डिसेबल होट रिलोड, स्टॉप डिबगिंग कर देते हैं, ओके सेव करते हैं इसको और दोबारा से इसको रन कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि होट रिलोड की फीचर आप लोगों को पता है कि जब हम लोग यहां पर इसको सेव करते हैं तो कंपाइल होता है एंड देन फाइनली हमारे पास WSM रन हो जाता है। ओके एंड फाइनली हम लोग यहां पर क्या करते हैं,
इंस्ट्रक्ट एलिमेंट करते हैं, कंसोल पर इसको चेक करते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है ब्लेजर डॉट वेब असेंबली डॉट जेएस, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली वेब असेंबली इसको रन करवा सकते हैं एप्लीकेशन के ऊपर। अब हम लोग वन बाई वन यहाँ पर कोड लिखना स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोग रेजर को समझ सकें। रेजर में अगर आप लोगों को HTML का कोड लिखना है तो वो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, राइट। अगर आप लोगों को कोई सी शार्प का कोड लिखना है तो वो आप लोग इसके अंदर लिख सकते हैं, राइट। अगर मान लीजिए हम लोगों को यहाँ पर लिखना है हेलो वर्ल्ड, हेलो, हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं हेलो टेक्नोलॉजी कीड़ा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा टेक्नोलॉजी कीड़ा, एंड फाइनली ये टेक्नोलॉजी कीड़ा जो है वो मैं एट द रेट नेम में रखता हूँ। यहाँ पर नेम कुछ भी नहीं है तो आप, तो यहाँ पर आप लोगों के पास है एट द रेट नेम, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं एट द रेट कोड, और उसके अंदर हम लोगों को एक वेरिएबल बनाना है नेम के नाम से, स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं टेक्नोलॉजी कीड़ा। तो यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो भी हम लोगों को यहाँ पर लिखना है कोड ब्लॉक में, जो भी लिखना है वो एट द रेट कोड के अंदर लिखना है, एंड सिंपली यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं नेम। तो ये नेम जो है एक वेरिएबल है, और इस टाइप की जो वैल्यूज है वो इसमें हम लोग इसको प्रिंट करवा सकते हैं। तो एक सिंपल सा कोड है आप लोगों के सामने जो यहाँ पर ये चीज प्रिंट करने का काम करता है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास HTML का कोड भी है, यहाँ पर आप लोगों के पास सी शार्प का कोड भी है, दोनों ही यहाँ पर रन हो सकते हैं, और वेब असेंबलीज के अंदर इस चीज को मेंटेन करना भी बहुत ज्यादा आसान है क्योंकि मॉडर्न वेब ब्राउजर इस चीज को सपोर्ट करते हैं। तो वेब असेंबलीज को सपोर्ट करने के लिए मॉडर्न वेब ब्राउजर्स हैं ही अपने पास, हेलो टेक्नोलॉजी कीड़ा। एंड फाइनली हम लोग यहाँ पर कुछ भी चेंज करेंगे, जैसे कि फाइनली अब हम लोग इसको क्या करते हैं अपर केस में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं अपर, राइट। तो ये जो है मैं इसको सेव करने के बाद में आप देखेगा ऑटोमेटिकली ये यहाँ पर चेक मार्क लग गया है, और यहाँ पर टेक्नोलॉजी कीड़ा जो है वो यहाँ पर आउटपुट में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ये एक एडवांस फीचर है आप लोगों के कोड रिलोड की, कि आप लोगों को ऑटोमेटिकली ये सेंस जो है ऑटोमेटिकली फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा है, ये WSM का काम है। अब आप लोग यहाँ पर अपर केस में आप लोग चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोग एक्सप्रेशन तक लिख सकते हैं, फंक्शन लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, बटन बना सकते हैं। अब आप लोगों को मान लीजिए कि यहाँ पर 2+2 करना है, ठीक है, या 4+4 करना है, तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि एड टू नंबर्स 2+2 इक्वल्स टू 1, और आप लोगों को यहाँ पर जो है ये जो चीज है वो राइट करनी है, राइट। तो आप लोग लिख सकते हैं 2+2, सिंपली आप लोग यहाँ पर ये नहीं लिखना एट द रेट 2+2, ऐसा करेंगे तो आप लोगों का एरर आ सकता है। तो यहाँ पर मैंने रन किया इस चीज को, और आप लोग देखिएगा इस चीज का जो आउटपुट है, जैसे ही मैं सेव करूंगा तो यहाँ पर ये चेक मार्क फिर से लग गया एड टू नंबर्स 2+2, और रिक्वेस्ट जो है वो फ्रिक्वेंटली आप लोगों के पास रिजल्ट में आ रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों ने एक्सप्रेशन को रिजल्ट किया। अब मैं यहाँ पर कोई मेथड जो है उसमें भी ये चीज कर सकता हूँ, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर बटन बनाता हूँ, ठीक है, और बटन बनाने के बाद मैं उसमें ऑन क्लिक जो इवेंट है वो फायर करता हूँ। जैसे मैंने मान लीजिए ऑन क्लिक यहाँ पर यूज किया, ऑन क्लिक करने के बाद में मैं यहाँ पर यूज करता हूँ एट द रेट दिस वन, एक लैम्डा एक्सप्रेशन लिखते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, एंड यहां पर मैं लिख देता हूं ओके ड्यूड, ये कुछ ऐसा डाल देते हैं अपन, और यहां पर मैं इस चीज को बंद कर देता हूं। तो आप लोग देखिएगा कि मैंने जस्ट ऑन क्लिक पे क्लिक किया तो कंसोल डॉट राइट लाइन ओके ड्यूड जो है वो यहां पे हो जाता है, और यहां पर मैं लिख देता हूं क्लिक मी, सिंपल। तो जैसे ही मैं क्लिक मी लिखता हूं तो यहां पर जो सिंपल ओके ड्यूड जो है कंसोल डॉट राइट लाइन होकर आप लोगों के पास प्रिंट हो जाता है, एक सिंपल सा टेक्स्ट मैसेज आप लोगों के पास आता है। तो मैं यहां पर सिंपली सेव कर देता हूं इस चीज को। सेव करने के बाद आप लोग इसका जो रिजल्ट है वो आप लोग देख सकते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन पे। तो इंस्पेक्ट एलिमेंट हम लोग करते हैं, कंसोल पर हम लोग चलते हैं, और आप लोग देखिएगा जस्ट मैं क्लिक कर रहा हूं और यहां पर आप लोगों के पास जो कंसोल है उसमें आपके पास आ जाता है ओके ड्यूड, ओके ड्यूड, राइट।
तो ये वेब असेंबली है आप लोगों के पास JS रिटर्न करता है और सिंपली आप लोगों के पास जो है वो आउटपुट में यही चीज जो है वो आती है। तो आप लोगों के पास जो बिल्ड होने के बाद में आप लोगों का जो कोड बनता है दैट इज द वेब असेंबली कोड आप लोगों का बनता है। तो यहाँ पर इस चीज को आप लोग रन कर सकते हैं एंड देन फाइनली हम लोग यहाँ पर ऑन क्लिक इवेंट है हम लोग मैथड भी कॉल करवा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं ओके ड्यूड जो है या यहाँ पर जो नेम है मैं इसकी जगह कोई मेथड जो है वो सिंटैक्स में लिख देता हूँ तो आप लोगों को ज्यादा आसानी होगी इस चीज को समझने में भी और एंटर करने में भी। तो मैं यहां पर लिख देता हूं मेथड, ओके मेथड वन मैं लिख देता हूं। यहां पर आप लोग लिख सकते हैं पब्लिक वॉइड दिस इज द मेथड वन, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो मेथड वन ऑटोमेटिकली यहां से हट गया, एक सिंपली क्वेरी थी आप लोगों की। तो यहां पर आप लोग कंसोल डॉट राइट लाइन लिख सकते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन और वही मेथड जो है आप लोग यहां पर भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर डाला ओके ड्यूड तो एक मेथड को कैसे कॉल करते हैं ये आप लोग रिजर के अंदर देख रहे हैं। तो एट द रेट कोड जो ब्लॉक है उसके अंदर आप ऐसा कर सकते हैं क्लिक मी इवेंट हैंडलिंग है ऑन क्लिक उस पर आप लोग कर रहे हैं ये इवेंट हैंडलिंग है ट्रिगर है जो आप लोग इस पर फायर करते हैं। तो यहां पर इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं कंसोल पर चलते हैं एंड फाइनली क्लिक मी करेंगे तो आप लोगों का कंसोल पर ओके ड्यूड लिखा हुआ आप लोगों के पास मिल जाएगा। तो ये है रेजर जो आप लोगों ने अभी एक्सप्रेशन भी देखा मेथड्स भी देखे आप लोगों ने कैसे प्रिंट करते हैं कोड ब्लॉक कहां पर हम लोग लिखते हैं। अब हम लोग इसके बाद में देखते हैं क्लासेस के बारे में। अब मान लीजिए हम लोगों को यहाँ पर कोई क्लास यूज करनी है जैसे कि ये जो फंक्शन है हमारे पास ये जो मेथड है वो हम लोग किसी क्लास के अंदर ऐड कर देते हैं। जैसे कि हम लोगों ने लिखा पब्लिक क्लास और ये एक स्ट्रिंग मेथड है कंसोल क्लास तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कंसोल क्लास ठीक है कंसोल क्लास और इस कंसोल क्लास के अंदर हम लोग ये मेथड जो है वो पेस्ट कर देते हैं राइट। तो अभी आप लोगों के पास इस मेथड के अंदर जैसे कि यहां पर एरर आ चुका है तो हम लोग ये जो कंसोल क्लास है उसी से ये मेथड जो है वो यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं डॉट लगाकर एंड देन फाइनली आप लोगों के पास ये कंसोल क्लास जो है वो एक्सेस हो जाएगी यहाँ पर। तो उससे हम लोग ये मेथड जो है वो यहाँ पर रिट्रीव कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये ज्यादा आसानी होगी कि हम लोग इस चीज को कैसे चीजों को तो अभी हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेथड वन दिस वन तो ये ऑटोमेटिकली इस चीज को कॉल कर लेता है और आप लोगों के पास सेम जो रिजल्ट है वो आप लोगों के पास यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जैसे ही मैं क्लिक मी करता हूँ तो आप लोगों के पास कंसोल में ओके ड्यूड फिर से आप लोगों के पास प्रिंट हो सकता है। तो ये क्लास है जिसको मैंने यहाँ पर कॉल किया है आप लोग देख सकते हैं कि एक मेथड है एक क्लास का नाम है कंसोल क्लास एंड देन फाइनली इसका जो नेम स्पेस है कोई भी फर्क नहीं पड़ता है वो हम लोग यहाँ पर लिख चुके हैं। लेकिन मान लीजिए कि ये कंसोल क्लास आप लोगों की यहाँ पर नहीं है तो हम लोग यहाँ से कट कर लेते हैं कंसोल क्लास को और एक नई जगह जो है वो हम लोग इसको पेस्ट करते हैं कंसोल क्लास को। तो हम लोगों को ये चीज कैसे करनी है कहाँ पर करनी है क्लास कहाँ पर बनानी है अभी फिलहाल के लिए अगर आप लोग देखें ध्यान से देखिए तो मेरे पास यहाँ पर तीन प्रोजेक्ट्स हैं द फर्स्ट वन इज अ क्लाइंट प्रोजेक्ट दूसरा है सर्वर प्रोजेक्ट और तीसरा है शेयर्ड प्रोजेक्ट। क्लाइंट प्रोजेक्ट जो है वो ब्राउजर के ऊपर आप लोगों का आउटपुट शो करने के लिए बनाया गया है और यहाँ पर आप लोगों के पास है सर्वर प्रोजेक्ट जो सर्वर पर रन होता है ठीक है तो यहाँ पर आप लोगों का क्लास नहीं बनाना है और तीसरा है आप लोगों के पास शेयर्ड प्रोजेक्ट। शेयर्ड प्रोजेक्ट का मतलब है कि जो क्लाइंट और सर्वर के बीच में शेयर्ड करता हो तो हम लोगों को यहाँ पर एंटिटीज बना सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास अभी हम लोगों को एक डेमो पर्पज के लिए बताना है तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एक नया जो डायरेक्टरी है वो इसमें हम लोग बना सकते हैं ऐड करते हैं एक नया फोल्डर फोल्डर का नाम हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं हेल्पर्स राइट सो रीनेम ही करने नहीं देगा हम लोगों को स्टॉप करना पड़ेगा डिबगिंग को स्टॉप करने के बाद हम लोग यहाँ पर इसको रीनेम कर सकते हैं और इसका नाम लिख सकते हैं स्ट्रिंग हेल्पर्स स्ट्रिंग हेल्पर्स में आप लोगों के पास यहाँ पर मिल जाती है क्लास तो
तो हम लोग इस न्यू एम्प्टी आइटम्स करते हैं, यहां पर हम लोग लिख देते हैं सॉरी कंसोल क्लास, कंसोल क्लास डॉट सी एस, एंड फाइनली कंसोल डॉट क्लास डॉट सी एस में हम लोग यहां पर इस चीज को ऐड कर देते हैं पब्लिक क्लास कंसोल क्लास, और इसमें मेथड ऐड कर देते हैं मेथड वन। लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखें तो आप लोगों का अभी भी प्रॉब्लम जो है वो रिसॉल्व नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि इसका जो नेम स्पेस है वो यहाँ पर ऐड नहीं है। अगर हम लोग इस पर कंट्रोल डॉट भी करते हैं तो ये सजेशन में हम लोगों को ये देगा कि आप लोगों के पास नेम स्पेस जो है वो यहाँ पर ऐड होना चाहिए, लेकिन हम लोग इन सभी नेम स्पेसेस को वैसे ही यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे। ये कहाँ पर ऐड करेंगे मैं बता देता हूँ आप लोगों को, इम्पोर्ट्स डॉट रेजर जो है, अंडरस्कोर इम्पोर्ट्स डॉट रेजर है, उसमें हम लोग ये सारी चीजें ऐड करेंगे। ब्लेजर्स बुकशॉप डॉट क्लाइंट डॉट स्ट्रिंग हेल्पर्स, इसमें हम लोगों को ये सारी चीजें ऐड करनी है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर ऐड की है, ये आप लोग देख सकते हैं सिंपल सी चीज है जो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए यहाँ पर डिजाइन किया। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि टेक्नोलॉजी क्रीड़ा जो है वो आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग चीज ही लेकर आएगा। तो क्लासेस को कैसे कॉल करना है वो आप लोगों के पास मैंने बताया है आप लोगों को। अब हम लोग यहाँ पर एक नया जो हमारे पास जो कैटेगरीज का था, यहाँ पर मैं वेब एपीआई को इसमें कंज्यूम कर रहा हूँ, तो जिन्होंने अभी तक मेंबरशिप नहीं ली है वो नहीं जानेंगे कि ये चीजें कैसे हैंडल की जा रही है।